हाय मैम, मुझे पूछना है कि जब भी मैं और मेरे हस्बैंड सेक्स करते हैं, उनको भी चोट आ जाती है और मुझे भी पूरे कट्स आ जाते हैं वजाइनल सेक्स के टाइम। हम लोग एक बार भी अगर इंटरमिट हुए तो 1 वीक तक पेन रहता है, क्या करें प्लीज सजेस्ट। ये जो मैं सोच रही थी कि मैं हफ्ते में मिनिमम 2 बार ये पोस्ट लगाती हूँ कि लुब्रिकेशन कितनी जरूरी है सेक्स के लिए, पर फिर भी कोई एटलीस्ट 25 मैसेजेस आते हैं मुझे हफ्ते में सेइंग कि कट गया, छिल गया, चोट लग गई, मैम सेक्स करते समय हम क्या करें। फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे ये कितनी बार कहना पड़ेगा और कौन सी लैंग्वेज में कहना पड़ेगा कि ये समझ बैठ जाए। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ये भी मालूम है कि ऐसे कई आदमी हैं जो अपने पार्टनर को लूप नहीं लगाने देते क्योंकि उनका ये कहना है कि मैं अपने पार्टनर के लिए काफी हूं, उसको बाहर की लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं। अब इनसे मैं कहना चाहूंगी कि भाई साहब, मान लिया कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा सेक्सी आदमी हैं, ये भी मान लिया कि देश की हर नदी आप ही की वजह से बह रही है, लेकिन वजाइना की फंक्शनिंग थोड़ी अलग होती है। हर औरत का शरीर अलग होता है, विच मीन्स दैट जितनी हम लुब्रिकेशन अपने अंदर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हर औरत के लिए अलग है। एंड इवन मोर इम्पोर्टेंटली, जितनी हमारी वजाइना को लूब की जरूरत है सेक्स के दौरान, ये भी हर औरत के लिए अलग है। और ये चीजें आपकी सेक्सीनेस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। औरत को अगर सेक्स के दौरान थोड़ी सी भी दर्द हो तो वजाइना में सूखापन आ जाता है। जैसे ही सूखापन आया, दर्द और बढ़ जाएगी, और जैसे ही दर्द बढ़ी और ड्राइनेस इंक्रीज हो जाए। इट्स अ विशियस साइकिल। अच्छा, अनदर मिसकंसेप्शन इज कि अगर फोरप्ले कर लिया तो फिर एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं है। यस, फोरप्ले इज वेरी गुड फॉर यू। इससे आपका अराउजल बढ़ता है, इससे आपका वजाइना भी थोड़ा एक्सपैंड होता है पेनिट्रेशन की तैयारी में, लेकिन इससे भी जितनी आपको लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ेगी उसकी गारंटी नहीं है। सो ये सब कट्स, चोट, छिलना का सबसे सरल समाधान है, लूब लगाइए। और एक ड्रॉप लूब नहीं, मुट्ठी भर के अच्छी तरह से लूब लगाइए ताकि पेनेट्रेशन बिल्कुल स्मूथ हो, क्योंकि इससे ना ही केवल आपका प्लेजर बढ़ेगा पर ये जो कट्स, चोटों वगैरह की बात कर रहे हैं आप, ये भी रुक जाएंगी।